माँ माजी ठीक तो है ना? माँ माँ को क्या हुआ? माँ को पता नहीं, माजी पानी पी रही थी और एकदम से गिर गई। हे भगवान, मुझे लगता है माँ को फिर से हार्ट अटैक आ गया है। जल्दी उठाओ इनको, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ईशान मैं भी चलती हूँ साथ में। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम घर पर रहो, मैं माँ को लेके जाता हूँ। घर पर भी तो होना चाहिए ना। माँ चलो माँ। हे भगवान, पता नहीं क्यों मेरा इतना जी घबरा रहा है। बस माँ जी जल्द से जल्द ठीक होकर घर पर आ जाए। और मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, भगवान जी है ना, वो माँ जी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। बहू माँ जी आप तो माँ जी आप यहाँ कैसे? आप तो ईशान के साथ हॉस्पिटल गए थे ना, आपकी तबीयत कैसी है, कैसे हैं अब आप? बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ आए कैसे, आप तो हॉस्पिटल में थे ना। अरे बेटा वो सब छोड़ ना, तो मुझे तुझसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ जी बताइए। देखो बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुमने इस घर को, हम सबको बहुत अच्छे से संभाला है, और मेरे बेटे का भी कितना ध्यान रखती हो तुम। तो बेटा मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम हमेशा इस घर को ऐसे ही संभाले रखना, मेरे बेटे को भी ऐसे ही संभाले रखना। माँ जी ये तो मेरा फर्ज है ना, और आप ये सब बातें क्यों कह रहे हो? आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं बेटा, जा तो कहीं नहीं रही हूँ, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, बस तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम बस ऐसे ही सारे घर को सहेज के रखना। और इस घर की जिम्मेदारी मैंने बहुत संभाल ली, अब इस घर को और इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम संभालोगी। लो। नहीं नहीं माँ जी, आप इतने टाइम से ये सब संभालते आए हो, आप भी संभालो ये सब मेरे बस की नहीं है। बेटा अब ये जिम्मेदारी का बोझ मैं कब तक ढोती रहूँगी, थक गई हूँ मैं। अच्छी बहू है ना तू मेरी, ले। लगता है ईशान आ गए, मैं आती हूँ। क्या हुआ ईशान? डॉक्टर ने कहा है कि माँ के पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इस बार उनको सीरियस हार्ट अटैक आया है, तो उनके बचने के बहुत कम चांसेस हैं इस बार। अच्छा, और कितना मजाक करोगे ईशान? यार तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने तो माँ को लेके गया था मैं हॉस्पिटल, डॉक्टर ने सच में कहा है कि माँ इस बार शायद ना बचे। तुम एक काम करो, तुम चलो माँ को आखिरी बार देख लेना। अभी तुम्हारे आने से पहले ना मैं माजी से ही बात कर रही थी, और तुम्हें पता है हमने कितनी सारी बातें की, और तुम कह रहे हो कि माजी का बचना मुश्किल है। कैसी बातें कर रहे हो ईशान तुम? देखो डॉली, मैं जानता हूँ कि तुम माँ से बहुत प्यार करती थी, शायद तुम्हें इसी बात का सदमा लगा है। चलो चलते हैं, माँ से मिलाते हैं। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, वो देखो। माजी माजी कहाँ चली गई? अभी यही थी ईशान, वो मैं। शांत हो जाओ, तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, रुको। ये देखो, ये चाबियों का गुच्छा हमेशा माजी के पास रहता था ना, मेरे पास कैसे आया? मैं कह रही हूँ ना, माजी यही थी, अभी मेरी बात नहीं है उनसे, उन्होंने ये गुच्छा मेरे को दिया है। हाँ, ये चाबियों का गुच्छा तो हमेशा माँ के पास रहा करता था, तो फिर ये तुम्हारे पास? एक मिनट। हाँ डॉक्टर, क्या क्या हुआ ईशान? डॉक्टर का फोन आया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। देखो डॉली, अपने आपको संभालो, चलो माँ के पास जाना है ना, चलो माँ से मिल के आते हैं, संभालो अपने आपको। दुनिया में सब कुछ बिकता है सिवाय माँ के प्यार के। अगर जाननी है अहमियत माँ की,
तो पूछिए उससे जिसके पास सब कुछ है सिवाय माँ के प्यार के।